डाला हाय ये रेशमा के नाम शेरा वैसे इतना बुरा नहीं खेलता यार तू है बचपन से चैंपियन रहा हूँ दोस्त माइकल फरेरा को भी मैंने ही सिखाया है यार फेंकता है यार कम से कम सोच कर तो फेंका कर तू मैं तो हमेशा सोच कर ही फेंकता हूँ एक्चुअली मैं बचपन में चैंपियन था बचपन में अरे तेरे बचपन में डाइनिंग टेबल तो होती नहीं थी ये पूल टेबल कहां से आई उस वक्त हम लोग टेबल पर नहीं जमीन पर पूल खेलते थे गोटियों के साथ जमीन में खड्डा खोदकर समझा समझा चल तेरी बारी अच्छा रुक ये किसके नाम पर ये माधुरी के नाम पर बेवफा शादी करके मुझे गड्ढे में डालकर चली गई वो चल चैंपियन ये भी तुझे गड्ढे में डाल के चली गई फाउल मुझे दो बारी मिलती है ओके हाय पेनी पेनी हे 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 अरे यार इतने प्यार से मैंने पेनी को हाय बोला उसने मुस्कुराया तक नहीं अरे यार हिली हुई है सच कहता हूं उसके ऊपर वाले डिपार्टमेंट में एक ढेले की भी अक्कल होती ना तो पूरी दुनिया से कदम चूमती है अरे लेकिन समीर मैं राहुल पेनी का दोस्त नहीं यार नॉट फेयर वन कॉफी ब्लैक ए हाय पेनी ये क्या चिड़िया का घोंसला बनाकर आई हो एनीवे चलो 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 तुम्हारा गाना गाने का टाइम हो गया मैं यहाँ गाना गाने नहीं आई हूँ मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ नॉर्मली इतना सा तो दिमाग लेकर आती ही है लगता है आज वो भी घर में भूल कर आ गई है ओ हाय पेनी तंग आ गई हूँ इन चीप स्केट से मैंने कुछ गलत कहा क्या अरे यार इतना बड़ा डंडा हाथ में लेकर अगर तू किसी को हाय बोलेगा तो उसे बुरा लगेगा ना अगर देख के आता हूँ अरे चल तो चल अरे मेरी भाई तू ही खेलना यार अरे यार मैं अपने आप से कैसे कंपीट कर सकता हूँ क्या बात है मूड खराब है क्या एक्सक्यूज मी आप मेरे मूड की चिंता मत कीजिए आप अपने मूड को देखिए पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की तुमने एक्सक्यूज मी आज से पहले मैंने आपसे कभी बात की ही नहीं आप पागल बने पेनी और अरे तुम्हारे लेफ्ट गाल पे कीड़ी है आपके गाल पे कीड़ी होगी आपके बाल में कीड़ी होगी यू नो दिस इज अ ब्यूटी स्पॉट और ये मेरे गाल पर बचपन से बैठा है बचपन से बैठा है कल तो बैठा नहीं था आज आ गया एक्सक्यूज मी Everybody, ladies and gentlemen, पेश है world famous India, अपनी सबकी प्यारी पेनी। जिसे बुला रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। Okay, ladies and gentlemen, Jenny, पेनी की बड़ी जुड़वा बहन। बड़ी जुड़वा बहन, बड़ी अच्छी है। समीर हाय जेनी हाय पेनी तुम कब आई आई एम बिजी आई एम सॉरी पेनी ये डबल रोल का क्या चक्कर है बहुत लंबी कहानी है। ए, ए, पेनी, ये फिल्मी डायलॉग बंद कर हाँ सीधा सीधा बता क्या हुआ ए, नहीं नहीं फिल्मी डायलॉग वो होता है जब हीरोइन कहती है बहुत लंबी कहानी है कट्टू स्विट्जरलैंड कट्टू हीरोइन की याददाश्त चली जाती है और अब तुम चुप रहो पेनी प्लीज बताओ ना ओके गाइस मेरी एक जुड़वा बहन है और वो इसी शहर में रहती है क्या? क्या? ये प्लॉट तो एकदम मनमोहन देसाई की फिल्म का है और बोली कर रहा हूं जरूर निरूपा रॉय है तुमको कैसे पता मैं मनमोहन देसाई की सारी फिल्में देखता हूं नो राहुल शट अप पेनी तुम्हारी एक जुड़वा बहन है ए बीट्रिस जुड़वा नहीं जुड़वा बड़ी बहन है तो पेनी तुम्हारी जुड़वा बड़ी बहन इसी शहर में रहती है और ये राज तुमने हमें आज तक नहीं बताया ये राज को राज ही रहने दो दीदी राहुल अब तुम चुप रहो मैं अभी आया क्या हुआ विक्रम कुछ नहीं तुम लोग बातें करो मैं अभी आता हूँ पेनी बताओ ना जेनी मुझसे 1.5 मिनट बड़ी है
और मैं उससे नफरत करती हूँ। क्यों नफरत करती हो? अरे क्यों क्या, क्योंकि उसके गाल पे एक ब्यूटी स्पॉट है और इसके गाल पे एक कीड़ी भी नहीं बैठती है। समीर प्लीज, मैं इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि मैं उससे 1.5 मिनट छोटी हूँ। सब चीजें तो उसने मुझसे 1.5 मिनट पहले की। मेरे क्रॉलिंग के 1.5 मिनट पहले वो क्रॉलिंग करने लगी, मेरे चलने के 1.5 मिनट पहले वो चलने लगी, और पता है जब वो चलने लगी तब सबने क्या कहा? क्या? वाह! लेकिन जब मैं चलने लगी तब सबने कहा, देखो वो बिल्कुल जेनी की तरह चलने लगी। मेरे मामा 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 बोलने के 1.5 मिनट पहले जेनी 10 बार मामा 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 बोल चुकी थी। जेनी की वजह से मैं हर जगह लेट हूं 1.5 मिनट। तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। ए, तेरा कोई जुड़े का चक्कर तो नहीं है ना? जुड़ा होगा तेरा बाया टांग। ये बता, नीचे क्या देख रहा है तू वैसे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिया ने मुझे पेज किया होगा। मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रिया तुम्हें नीचे क्यों पेज करेगी? मेरा पेजर यहाँ पे अटका हुआ है। डिंग डॉंग, तुमने पेजर लिया है और मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। वैसे संजना, मैंने ये नंबर किसी को भी नहीं दिया सिवाय प्रिया के। उसकी डिलीवरी कभी भी शुरू हो सकती है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही उसका दर्द शुरू हो वो मुझे पेज करे। तो होने वाले डैडी, जब उसको दर्द शुरू होगा ना तो तेरा पेजिंग नंबर क्या, उसे अपना नाम भी याद नहीं होगा। हेलो प्रिया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सो रही हूँ विक्रम। तुम दर्द के मारे सो रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल भागना चाहिए। दर्द नहीं हो रहा है विक्रम, डिलीवरी में अभी टाइम है। टाइम है? फिर तुमने मुझे पेज क्यों किया? मैंने पेज नहीं किया, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। मैं अभी पापा नहीं बनने वाला हूँ, शट अप बनने वाला हूँ। हैप्पी न्यू ईयर पेजर कंपनी। मतलब ये दर्द प्रिया को नहीं पेजर कंपनी को हुआ था। हाय, आप जेनी राइट? हाय, थैंक गॉड, बॉम्बे में किसी ने तो मुझे सही पहचाना। यू नो, सुबह से लेकर अभी तक 50 लोगों ने मुझे कहा हाय पेनी। हाय पेनी, 51 नाउ। आपने अपना नाम क्या बताया था उस दिन? ओ, समीर का जुड़वा भाई समीर, और मेरे गाल पे तिल भी नहीं। और वैसे आप भी पेनी से 1.5 मिनट ज्यादा इंटेलिजेंट और 1.5 मिनट ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। एक्चुअली मम्मी पापा भी यही कहते थे। बिल्कुल ठीक कहते थे, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1.5 मिनट में इतना फर्क पड़ सकता है। Yes to 1.5 मिनट? Yes. जब मैं पहली बार मम्मी के पेट से निकल रही थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि मैं फिल्म स्टार की तरह एंट्री मारूंगी। लेकिन मेरा एक्साइटमेंट डिप्रेशन में बदल गया जब मैंने देखा कि जेनी पहले से ही मम्मी के बगल में सोई हुई थी और मुझे देखते ही वो हंसने लगी, जैसे कि कह रही हो, देखो जूनियर आर्टिस्ट आई है और वो भी 1.5 मिनट लेट। मैं समझ सकती हूँ। और उतने में मुझे नर्स की आवाज भी सुनाई दी। क्या कहा उसने? वो कह रही थी, देखो एक और आ गई। संजना, संजना, मैं यहाँ हूँ। संजना, तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली। नहीं, मगर मुझे कुछ 1-1.5 मिनट दे सकती हो? नफरत है मुझे 1.5 मिनट से। तुम्हें 1.5 मिनट ही कहना था, 1 या 2 मिनट नहीं कह सकती थे? हाँ, मैंने 1.5 मिनट ही क्यों कहा? खैर, अब आगे बताओ क्या बात है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। मुझे अभी एहसास हुआ है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। अभी अभी? गुड मॉर्निंग। नहीं, पूरी बात सुनो ना संजना, मुझे अभी एहसास हुआ है कि प्रिया प्रेग्नेंट है और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और वो अमित का बच्चा, जिसे इस बच्चे से कुछ लेना देना ही नहीं। वो कभी प्रिया को वॉक पे ले जाता है, कभी उसे बादाम खिलाता है। तो मैंने प्रिया के लिए एक योगा इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया है,
जो उसे एक्सरसाइज सिखाएगा और मैं भी उसके साथ एक्सरसाइज करूंगा। ओह वेरी गुड। इससे प्रिया और मेरे होने वाले बच्चे को यह महसूस होगा कि मैं भी उसके बहुत करीब हूं। मगर मैं यह नहीं चाहता कि अमित को इस बात का पता चले, तो मैंने प्रिया को यहां आके एक्सरसाइज सीखने के लिए कहा है। हाँ तुम्हें भी तो बुआ का फर्ज निभाना है ना संजना। और वैसे सिर्फ प्रिया, योगा इंस्ट्रक्टर और कुछ चार पांच और प्रेग्नेंट औरतें यहाँ पे आ जाएंगी। चार पांच प्रेग्नेंट औरतें? संजना प्लीज। ओके थैंक यू थैंक यू। जुड़वाना तो कितना प्यार होता है। जेनी ये जिंदगी भी क्या अजीब है ना। कुछ पल पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और बस अब प्यार हो गया। सुनिए मैं तुमसे एक बात पूछूं? ना दो पूछो जेनी। तुम पेनी से मुझसे पहले मिले थे ना? हाँ। तो उसे प्यार कैसे नहीं हुआ? जेनी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ? समीर बोलो ना। बोलूं? हाँ। ये तुम्हारे लेफ्ट गाल पे जो फुल स्टॉप है ना, उसे देखते ही मेरी प्यार की तलाश पे फुल स्टॉप लग गया। समीर। जेनी। समीर। संजना ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पांच प्रेग्नेंट औरतें, उनकी एक प्रेग्नेंट योगा टीचर और एक प्रेग्नेंट औरत का पागल एक्स हस्बैंड बैठ के योगा कर रहे हैं। चलो चलो। अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हाँ खोलिए। हम आज ये सीखेंगे कि हमें अपने मसल्स कैसे रिलैक्स करके रखना है। ओके? अब आप लोग धीरे धीरे अपने पांव फैलाइए। हाँ फैलाइए फैलाइए, पांव फैलाइए। वो कितना अच्छा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को उनके थ्रू सिखा रही हूँ। हाँ आप सभी बहनें उनको देखते रहिए। हाँ अभी अभी थोड़ा और फैलाइए। हाँ हाँ थोड़ा और फैलाइए। और थोड़ा और फैलाऊंगा तो पैर फट जाएंगे। ठीक है ठीक है। अब आप लोग ऐसा कीजिए, इसी पोजीशन में बैठ जाइए। मगर बैठा तो मेरा मतलब है कि इसी पोजीशन में आप ऐसे बैठे जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठ रहे हो। कुर्सी पे? जी जी। थोड़ा उठिए उठिए उठिए, कोशिश कीजिए। सभी बहनें इनको देखिए। हाँ थोड़ा और ऊपर। जी हाँ थोड़ा और। देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग। देखिए इनको थोड़ा और। अरे यार समीर, बॉल तेरे सामने पड़ा है, तू दरवाजे की तरफ देख रहा है जैसे कि माइकल फरेरा आ रहे हैं। यार जेनी का इंतजार कर रहा हूं मैं। हमारा फिल्म जाने का प्लान बना था एक दूजे के लिए मैटनी शो। इतना लेट हो गया, अभी तक आई नहीं यार वो। अरे आ जाएगी यार, आ जाएगी, रिलैक्स आ जाएगी। यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाकर तो देखता हूँ, तू मेरी तरफ से तू ही खेल ले प्लीज। यार गेम तो कंप्लीट करके जा यार। और अगर जेनी आए ना उसे रुकने के लिए जरूर कहिएगा प्लीज। और फिर वही चैंपियन वर्सेस चैंपियन, राहुल वर्सेस राहुल। ओके ये राम गोपाल वर्मा के नाम। हाय राहुल। हाय पेनी। हाय जेनी। अरे तुमने समीर को देखा? हाँ मैंने उसे बाहर जाते देखा। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो तुम्हें ढूंढने गया है। पता है लेकिन मैं उससे नहीं तुमसे मिलने आई, अपनी दिल की बात कहने। एक मिनट एक मिनट, ये जेनी के नाम कहो, अपनी हर दिल की बात मुझे कहो प्लीज कहो। ओके मैंने ये रियलाइज किया है राहुल की कि पेनी का दोस्त मेरा दोस्त कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा मुझ में पेनी दिखाई देगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है राहुल, इसलिए प्लीज तुम समीर को कह देना कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए।
और ये भी भूल जाए कि उसे कभी तिल वाली जेनी मिली भी थी। ये सुनकर मेरा दिल, मेरा मतलब समीर का दिल टूट जाएगा। ये टूटे हुए दिल वालों के नाम। मैं पूल खेल रहा था, जेनी मेरे पास आई और कहा कि अब मैं कभी समीर से वापस नहीं मिलना चाहती। तुम्हें भी समीर के लिए दुख हो रहा है? नहीं, मुझे अपने पीठ के लिए दुख हो रहा है। तो समीर का दिल तोड़ के चले गए। देखा, इसी बिहेवियर के कारण मुझे जेनी से नफरत है। लेकिन ये बात समीर को कहेगा कौन? तुम मैं नहीं, तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं। कौन बता सकता है समीर को? मैं? राहुल, अब ये जेनी लग रही है ना? परफेक्ट। तो पेनी, अब तुम्हें जेनी बन के किसी भी हालत समीर का दिल तोड़ना होगा। तो आ गया। ओके, डायलॉग जहाज कर लिया। ओके, गुड लक। ओके, ओवरलैप। ओके, पहले गाना है क्या? डायलॉग पहले गाना श्योर ना? यस यस। नहीं, पहले डायलॉग है। नहीं, गाना। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ नहीं हूँ तो गाऊंगा। नहीं, बाद में आना, बहुत बिजी है। पागल हो गई है तुम? मेरे बहुत बुरा वक्त है, तुम घर जाओ। अच्छा, जाता हूँ। अब आ ही गए हो तो आओ। कभी आने को रोकती है, कभी जाने को रोकती है। माशाल्लाह, जेनी, तुम्हारा ये गाल का तिल ऐसे लग रहा है जैसे जैसे साफ पानी में मोबाइल ऑयल की एक बूंद। जानी मन, अगर तुम मुझे पहले मिलते तो मैं उस गधे समीर के चक्कर में नहीं पड़ती। गधा, बेहया, बेखया, बचलन, उल्लू, उल्लू नहीं, उल्लू का पठा। समीर, तुम्हें हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया? जेनी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नहीं, दिन में मेरे साथ पूल खेलता है और रात को पीक में पूल क्यों डालता है तू? क्या शॉट है, तुम ही बीच में हो, लव ट्रायंगल। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, संजय दत्त, अमित बच्चन, ये एक्शन। सलीम, अमरीश पुरी, सुनो, मेरा बेजर, मेरा बच्चा, मैं बाप बनने वाला हूँ।